ऐसे हर दिन प्राणायाम के अंत में भ्रामरी उद्गीत और सांसों पर ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आपको रख लेना, आंखें खोल लेना। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। यदि सरकार ने समय रहते भ्रष्टाचार व काले धन को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही नहीं की तो देश भर में हम केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे और सरकार का असली चेहरा व चरित्र देश के सामने रखेंगे। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी हुई देश की सेवक होती है। यदि सेवक रक्षक न होकर भक्षक बन जाए, विकास न करके विनाश में लग जाए तथा लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लूट तंत्र व भ्रष्ट तंत्र बना दे, तो फिर जनता को चाहिए कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके और ऐसी सरकार चुने जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कानून बनाए तथा देश के साथ गद्दारी व धोखा करके लूटा हुआ 400 लाख करोड़ रुपया देश को दिलवाए और देश के संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का भारतीकरण अथवा स्वदेशीकरण करके गांव और गरीबों को ऊपर उठाए। काले धन के बारे में अध्ययन करने वाली देश व दुनिया की सभी संस्थाओं एवं शीर्ष अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत आजादी के इन 64 वर्षों में 300 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर विदेशों में तथा 100 लाख करोड़ रुपए देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जमा हो गए। इस पूरे कालखंड में लगभग 55 वर्षों से अधिक कांग्रेस का शासन देश में रहा। आखिर इतने बड़े काले धन की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार के सहयोग के बिना कैसे खड़ी हो गई? इतिहास की सबसे बड़ी लूट के बावजूद केंद्र सरकार मौन क्यों है? हमने देश भर में भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की है। यदि आप देश में भ्रष्टाचार व काले धन को खत्म करना चाहते हैं तो इस मुहिम का समर्थन करें और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर स्वयं हस्ताक्षर करें और अपने मित्र व परिजनों से भी करवाएं। 400 लाख करोड़ रुपए का ये काला धन देश के 120 करोड़ लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है। ये राष्ट्रीय संपदाओं व परिसंपत्तियों को अवैध तरीके से लूटकर जमा किया हुआ धन है तथा ये काला धन उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने अपने पदों एवं अधिकारों का दुरुपयोग करके रिश्वत खोरी करके लूटा है। अतः हर भारतीय जो अपने देश को विश्व की सर्वोच्च आर्थिक महाशक्ति बनाकर एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है तथा अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक परम शांतिमय व परम वैभवशाली भारत देकर जाना चाहता है, वो इस अभियान में आगे आए। देश का हर बच्चा जो शिक्षा के नाम पर हो रही लूट व पक्षपात को मिटाकर समान शिक्षा का अधिकार पाना चाहता है तथा वो युवा जो सम्मानजनक रोजगार पाना चाहता है, साथ में ही वो किसान जो अपने खेतों को 12 महीने हरा भरा देखना चाहता है तथा वो मजदूर वो कारीगर जो सम्मान व स्वाभिमान के साथ काम का अधिकार चाहता है, वे सब इस अभियान का साथ दें। हम संघर्ष करेंगे और 400 लाख करोड़ रुपए जो देश व देशवासियों की संपत्ति है उसको देश को दिलवाएंगे। जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए भारत को मिलेगा उस दिन एक ग्राम पंचायत को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास के लिए धन उपलब्ध होगा तथा देश के शहरों के विकास के लिए भी 100 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध हो जाएंगे जो हमारे शहर गंदगी व बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने के कारण नरक बन चुके हैं वे भी स्वर्ग बनेंगे तथा गांव जो दरिद्रता व गरीबी में जी रहे हैं वहां भी समृद्धि और स्वर्ग का साम्राज्य होगा और ये भारत 2020 तक विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति होगा तथा विश्व का नेतृत्व करेगा। अब ये निर्णय देश के जिम्मेदार व जागरूक नागरिकों को लेना है कि आप देश को लूटने वाले व गद्दारों के साथ खड़े होंगे अथवा
देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचार व काले धन को खत्म करने वाले आंदोलन के साथ खड़े होंगे। सृष्टि के आदिकाल से जब जब देवासुर संग्राम हुआ, तब धर्म युद्ध में सदा हमारे पूर्वजों ने सत्य, धर्म एवं न्याय के लिए संघर्ष किया और विजयी हुए। हमारे पूर्वजों का आदर्श एवं वेद का आदेश यही है कि हम सत्य के साथ खड़े हों। मावस्तेन ईशत। यजुर्वेद के अनुसार चोर अर्थात भ्रष्ट और बेईमान लोग हम पर शासन ना करें। हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों। व्यवस्था परिवर्तन की भारत स्वाभिमान यात्रा के असम दौरे के दौरान स्वामी रामदेव जी पहुँचे शोणितपुर जिले के विश्वनाथ चारी आली, जहाँ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया तथा स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज आपसे योग के साथ साथ बहुत कुछ जो मेरे हृदय में भाव है, जो मेरे मन का संकल्प है, वो सब आपसे दे करके जाना है। हम सब भगवान के हैं, सब मेरे साथ में बोलेंगे हम सब, और भगवान हमारे हैं। भगवान, हम सब भगवान के घर से आए हैं। हम किसके घर से आए हैं? और ये सारी सृष्टि उसी का घर है। भगवान के घर में ही रह रहे हैं और अंत में भगवान के घर ही सबको जाना है। ऐसे भाव से जीवन को जीओगे तो जीवन उत्सव बन जाएगा। हम भगवान के हैं, वो अल्लाह ताला, वो खुदा, वो गॉड, वो ऑलमाइटी गॉड, वो अकाल पुरुष वाहे गुरु सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान निराकार भगवान, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है। हम भगवान के ही हैं, हम भगवान में ही हैं और अंत में उसी के ही अंदर ही हम सब आश्रय पाते हैं। और ये जितना भी संसार है, ये भोग की वस्तु नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है। सब ब्रह्म के ही रूप हैं। ये भगवान साकार रूप होकर के हमें सुख देने के लिए उसने अनेक रूप धारण किए हैं। इस काया में, इस माया में वही प्रभु समाया है। काया शरीर बनकर के भी हमको सुख देता है, आंख बन के, कान बन के, जीभ बन के। इसलिए उपनिषदों में कहा, यह चक्षुषान पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते, यह श्रोते न शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते, यत् वाचा अनुबिद्धतं येन वाक् बिद्धते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते। तो भगवान ये संसार का रूप धारण करके हमको सुख देता है, माता पिता बनकर के हमको जन्म देता है, गुरु बनकर के हमको ज्ञान देता है, वस्तु और व्यक्ति से हमको सुख मिलता है, उसमें मूल में भगवान ही है। सब सुखों के मूल में परमेश्वर है, सब रूपों के मूल में वह ब्रह्म स्वरूप ही है। ये ब्रह्मांड, ये सारा भगवान का ही शरीर है। जैसे आत्मा का आश्रय पिंड है, ऐसे भगवान का आश्रय उसका साकार रूप ये सारा ब्रह्मांड है। ऐसा
भागवत दृष्टि से जो इस संसार को देखते हैं वो सबसे प्यार करते हैं, उनके हृदय में किसी से फिर नफरत घृणा नहीं रहती, बल्कि सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव जाग जाता है और उनको सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। सिया राममय सब जग जानी वासुदेवाह सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम, मेरे ही खुदा का अल्लाह का भगवान का नूर है सब जगत में, एक नूर तय सब जग उपजा, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, कुरान में भी यही कहा, एक खुदा अल्लाह की जो उपासना करते हैं उन्हीं को जन्नत मिलती है। तो हम जीवन को ऐसे जिए मानो हम स्वर्ग धाम में हैं, अमृत धाम में हैं। मैं तो ऐसे ही जीता हूं, हर पल ऐसे ही जीता हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है? किसी बड़े आदमी के साथ अपनी रिश्तेदारी हो जाए तो कितना गौरव होता है, और कोई बड़े बाप के घर में पैदा हो जाए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हो जाए, मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूं, मैं उस भगवान का बेटा हूं जो सारी दुनिया का मालिक है। हर एक को ऐसा अनुभव करना चाहिए, मैं उस भगवान का बेटा हूं जो सारे जहान का मालिक है, उस अल्लाह उस खुदा अकाल पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का बेटा हूं। मैं तो इस गर्व में हमेशा जीता। इसलिए आप मेरी मस्ती देखते हो ना, ये मस्ती का राज ही वही भगवान है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं मैं भगवान का बेटा हूं, तो उतनी ही गौरव गरिमा के साथ में जीता हूं, उतनी शान शौकत से जीता हूं। निराभिमानी रहना ये तो भगवान ने हमको सिखाया, सब कुछ बना के भगवान नजर नहीं आता, कितना विनम्र है भगवान, नहीं तो जो ही उल्टा बोले उसी की घेटी पकड़ ले उसी समय। कोई भगवान ने हमको बनाया, एक बोला बाबा जी तो नास्तिक है उनके लिए क्या कहेंगे, मैंने कहा जो अपने बाप को बाप नहीं मानता उसके लिए कहना क्या है, वो खुदा वो अल्लाह वो अकाल पुरुष भगवान वो ऑलमाइटी गॉड अपना पिता है, उस बाप को अपना बाप न माने उसके लिए क्या कहना भाई। और भाई बड़ी बाप की औलाद होने का मतलब है फिर अपने बाप का ख्याल भी रखना, मैं अपने बाप का ख्याल रखता हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि लोग कहें किसने बनाया इसको, कोई गलत काम करता है तो बाप माँ बाप की बदनामी होती है ना संसार में, मैं यदि गलत काम करूंगा तो मेरे भगवान की बदनामी होगी, और मैं यदि सही काम करूंगा तो लोग कहेंगे क्या खुदा है उसकी, क्या खुदाई है, क्या वो मालिक भगवान अकाल पुरुष ऑलमाइटी गॉड कैसे सुंदर इंसान उसने बनाए हैं, हमको देख करके लोग भगवान पर विश्वास करें ऐसा हम काम करें। हम सब ईश्वर की संतान है, कोई शैतान की औलाद नहीं है, हम सब किसकी संतान है, ईश्वर की, खुदा अल्लाह वो नाम भाषाएं अलग अलग है, कोई शैतान की औलाद तो नहीं बैठा ना, सबकी किसकी औलाद है, भगवान की, सब ऋषियों की संतान है। आज हिंदू मुसलमान अलग अलग कहलाते हो लेकिन सबके भीतर जीन्स ऋषियों के हैं, सब आर्य पुत्र हैं, सब ऋषि पुत्र हैं, सब भारतवासी हैं, और सबके खून में एक ही पूर्वजों का लहू है, सबके रगों में एक ही पूर्वजों का खून है, फिर खून खराब है क्यों? अरे जब सबकी धड़कनों में वही खून धड़क रहा है, सबके भीतर एक ही दिल, सबके भीतर एक ही रूह, एक ही आत्मा, सबके भीतर शरीर एक ही जैसा, आत्मा एक ही जैसा, सबका मालिक परमात्मा एक जैसा, ये जिसको बोध हो गया वो कभी भी घृणा नहीं करेगा किसी से, सबसे प्यार करेगा, जैसे मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मैंने अपना दिल देश को दे दिया, देशवासियों को दे दिया, और सारे दिल मुझसे जुड़ गए, ऐसी मोहब्बत मैंने पाई है जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं ये मोहब्बत सबको मिले, ये प्यार सबको मिले, और अपने वतन से ऐसे मोहब्बत करो। आप किससे प्यार करते हो? किसी जिस्म से प्यार करते हो? ये सब जिस्म जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उस मिट्टी से भी तो प्यार करो। आज हम जहां खड़े हैं वहां तो इस मातृभूमि से मोहब्बत की जरूरत और बढ़ गई है, क्योंकि कुछ